गुम है किसी के प्यार में शो के लीड एक्टर्स के बीच में नहीं है कुछ भी ठीक। विराट और सई के बीच में एक बार फिर दिखी ये बड़ी जंग। ऐश्वर्या शर्मा के बाद आयशा सिंह को दिया अनिल भट्ट ने धोखा। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा की लड़ाई और इनके झगड़े तो सभी को पता चल चुका है, लेकिन क्या वाकई अनिल भट्ट और आयशा सिंह में भी कुछ भी ठीक नहीं है? इसको लेकर तरह तरह की बात कई बार की जाती है, लेकिन अब republicworld.com की रिपोर्ट की माने तो आयशा सिंह और अनिल भट्ट में भी कोई भी बॉन्डिंग सही नहीं चल रही है। और ये तो तभी से शुरू हो गया था जब से ही ऐश्वर्या शर्मा ने आयशा सिंह को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया था। वैसे तो जब से ही ये एक्टर्स शो में है तब से इनकी लड़ाई चल रही है, लेकिन शो से निकलने के बाद ये लड़ाई और भी नेक्स्ट लेवल पर पहुँच चुकी है। ऐश्वर्या शर्मा ने आपने देखा होगा कि कुछ ही समय पहले आयशा सिंह को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया था। दोनों ही एक्टर्स ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं अनिल भट्ट। यानी कि अनिल भट्ट ने ऐश्वर्या शर्मा को सपोर्ट करने के लिए आयशा सिंह को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। तो ये साफ तौर पर ये जो जंग है वो बड़ी होती हुई नजर आ रही है। आयशा सिंह और अनिल भट्ट की जोड़ी को फैंस बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐश्वर्या शर्मा के दबाव में आकर अनिल भट्ट ने आयशा सिंह को अनफॉलो करने से एक बड़ा तबका यानी कि आयशा के फैंस काफी मायूस हैं। और आयशा के फैंस ट्रोल भी कर रहे हैं अनिल भट्ट को कि वो अपनी ऐश्वर्या शर्मा की गलती को छिपाने के लिए उनका साथ दे रहे हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे कौन गलत है कौन नहीं ये तो वो तीनों ही जाने, लेकिन ये साफ है कि इन एक्टर्स के बीच में एक बड़ी जंग चल रही है। और अब मीडिया में भी कई सारे आर्टिकल्स यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये दावा कर रहे हैं कि अनिल भट्ट ने भी अब आयशा सिंह के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन अनिल और ऐश्वर्या की इस हरकत पर, लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।